हेलो डियर लर्नर्स, एसेट चैलेंज क्वेश्चन वन को लेकर जो आपके रिस्पॉन्सेज आए थे दे वर रियली वेरी एनकरेजिंग, बहुत अच्छे थे। एज एक्सपेक्टेड, जैसा एक्सपेक्टेड था उसी तरीके से लर्नर्स ने पार्टिसिपेट किया। हालांकि टास्क अभी डिफरेंट एंड डिफिकल्ट था, जिस तरीके से लैंग्वेज को लोग अप्रोच करते हैं उससे हटकर कोशिश करनी थी आपको। काफ़ी बच्चों ने रियली कमेंडेबल जॉब, बड़े अच्छा काम किया उन्होंने। आज हम जो एसेट चैलेंज क्वेश्चन वन था उसके बेस्ट एक्सप्लेनेशन को आपके साथ में रिवील करेंगे, बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो भी है, और साथ ही साथ में आपको ऐसे चैलेंज क्वेश्चन टू भी देंगे। नेक्स्ट चैलेंज क्वेश्चन आज आपके साथ में शेयर किया जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो चैलेंज क्वेश्चन वन था वो ये था, ही एग्रीड ब्लैंक, ही इंसिस्टेड ब्लैंक, ठीक है। और इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए हमारे पास ये फोर ऑप्शंस थे। मैं एक्सप्लेन तो यहाँ पर खैर नहीं करूँगा, लेकिन आपको आंसर्स बता देता हूँ कि सही आंसर्स क्या हैं। He agreed dash, इसके सही आंसर हैं B and C. Either can be the answer. Question 2 जो है, he insisted, इसके सही आंसर हैं B and D. These are the answers. Explanation जो है वो जो हम आपके साथ best explanation share कर रहे हैं उसमें already given है। देखिए, तो ये जो हमारा challenge question 1 था जिसको आपने अपने explanations भेजे हैं जिसको लेकर, इसमें हमने बेस्ट एक्सप्लेनेशन पाया है सौरभ दास का। सौरभ दास इज अ टीचर एंड ही इज फ्रॉम मिदनापुर, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल मिदनापुर से हैं और हमारे एसेक इलीट बैच में एनरोली हैं। हालांकि ये जो चैलेंज क्वेश्चंस की हम सीरीज लेकर आए हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे जो बैचेस में एनरोल्ड कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के लिए है। एनी वन कैन पार्टिसिपेट इन इट, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है इस सीरीज में। इट इज ओपन फॉर ऑल, सबके लिए ओपन है। और सौरभ दास जी जो हैं ये इन्होंने बड़ा लॉजिकल टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन लिखा है चैलेंज क्वेश्चन वन का, और आंसर्स सारे सही हैं। साथ ही साथ में उनका एक्सप्लेनेशन बड़ा टू द पॉइंट और रिलीवेंट है। देखिए, दिस इज द एक्सप्लेनेशन सेंट बाय सौरभ दास। ये सौरभ दास का एक्सप्लेनेशन है जो इन्होंने हमारे साथ में शेयर किया। ये एक्सप्लेनेशन जो है चैलेंज क्वेश्चन वन का, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, एसेक इंग्लिश हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने जो अपना रिस्पॉन्स सबमिट किया था चैलेंज क्वेश्चन वन को लेकर, उससे इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये सौरभ दास का एक्सप्लेनेशन है। अब मैं आपके साथ में शेयर करता हूं एसेक चैलेंज क्वेश्चन टू। ये जो एसेक चैलेंज क्वेश्चन टू है, वी डैश हेल्प यू, वी डैश हियर यू, दो क्वेश्चन हैं जैसे कि चैलेंज क्वेश्चन वन में थे, और फोर ऑप्शन हैं, कैन नॉट, आर एबल टू, आर नॉट एबल टू। हमें ये बताना है कि जो टास्क आपको करना है वो टास्क ये है कि इन दोनों क्वेश्चन में, इन चार ऑप्शन में से किन ऑप्शन को एज आंसर यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन आंसर हो सकता है, एक से ज्यादा क्वेश्चन, एक से ज्यादा ऑप्शंस आंसर हो सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चंस को समझिए, क्वेश्चंस में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस वर्ब्स डिफरेंट है, फाइनाइट वर्ब्स डिफरेंट है। यहां पर फाइनाइट वर्ब हेल्प है, यहां पर हियर है, एंड द रेस्ट इज सेम, बाकी सब कुछ सेम है। ऑप्शंस डिफरेंट है, कैन कैन नॉट, आर एबल टू, आर नॉट एबल टू। आपको आंसर्स बताने हैं कि विच ऑप्शंस आर द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन एंड विच ऑप्शंस आर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, और उन आंसर्स को जस्टिफाई करना है कि जो ऑप्शंस आंसर हैं वो क्यों आंसर हैं, उनका क्या कॉन्टेक्स्ट है, किस कॉन्टेक्स्ट में उनको जस्टिफाई किया जा सकता है एज आंसर, और जो ऑप्शंस आंसर नहीं है वो क्यों नहीं है, हम उनको सही क्यों नहीं मान सकते, ये आपको करना है। मेनली आंसर बताना बड़ी बात नहीं है, जो भी लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश को समझते बोलते पढ़ते हैं वो आंसर्स बता सकते हैं, ठीक है। जिनकी क्रिटिकल अप्रोच नहीं है लैंग्वेज को लेकर, उनके पास कोई क्रिटिकल अप्रोच नहीं है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आंसर बता सकते हैं। हमारा काम है उन लोगों पर फोकस करना, उनकी तरफ ध्यान लाना लोगों का, जो कि लैंग्वेज को लेकर क्रिटिकल अप्रोच रखते हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है, और कॉन्सेप्ट को जो समझते हैं, बातों को जो समझते हैं। तो मैं रिपीट कर देता हूं और फिर से आपको क्या करना है, ये दो क्वेश्चन हैं, चार ऑप्शन हैं, कौन से ऑप्शन किस क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं ये बताना है, जो ऑप्शन आंसर हो सकते हैं वो क्यों हो सकते हैं उनको जस्टिफाई करना है,
और जो ऑप्शंस उस क्वेश्चन के आंसर नहीं हो सकते हैं वो क्यों नहीं हो सकते हैं ये भी एक्सप्लेन करना है। और ये आपका एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको हमें भेजना है 31 अक्टूबर तक व्हाट्सएप के थ्रू। एक्सप्लेनेशन जैसे आपने लास्ट टाइम भेजने के लिए कहा गया था उसी तरीके से भेजना है आपको अपनी हैंड राइटिंग में ब्लैंक पेपर पर। ये देखिए सौरभ दास का आप एक्सप्लेनेशन देखिए, एक ब्लैंक पेपर पर हैंड रिटन एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। लेजिबल हैंड राइटिंग होनी चाहिए, हैंड राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए। ब्लैंक पेपर आप अपना एक्सप्लेनेशन लिखिए, एक क्लियर इमेज, फोन के कैमरे अच्छे होते हैं आप फोन के कैमरे से, आपका जो भी फोन है उस फोन के कैमरे से ही आप एक क्लियर इमेज लीजिए उसकी अपने हैंड रिटन एक्सप्लेनेशन की और हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। जिस व्हाट्सएप नंबर पर आपको ये सबमिट करना है रिस्पॉन्स अपना वो है 9999119159। इस व्हाट्सएप नंबर पर 31 अक्टूबर 2022 तक आपको अपना रिस्पॉन्स सबमिट करना है। फिर हम उसके बाद में एसेक चैलेंज क्वेश्चन 2 के आंसर्स बेस्ट एक्सप्लेनेशन को और एसेक चैलेंज क्वेश्चन 3 को आपके साथ में शेयर करेंगे। तब तक के लिए इंग्लिश सीखते रहिए, एंजॉय कीजिए। कोई छोटा मोटा डाउट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अपना डाउट अगर आपको लगता है। इफ देयर इज समथिंग दैट यू वांट टू शेयर देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 9999119159। दिस इज द नंबर दैट यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू ऑन व्हाट्सएप। Until then, keep enjoying learning English. Thanks everybody. Bye.